गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 3:57 इन द मॉर्निंग हुआ है, 25 दिसंबर। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, मैं रेडी होता हूँ, फिर आप लोग को मिलता हूँ, बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस आया मैं 10 मिनट। बजे है 5:30 सुबह के, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑकलैंड से पाहिया, तो हमें पहुँचने के लिए वहाँ पे 3:30 घंटे होंगे, क्योंकि 298 किलोमीटर्स है। पर फिर भी हम अगर रुक के जाएँ, जैसे अभी हमने स्टॉप लिया है पेट्रोल भरवाने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि यार 3 वीक से लगातार 7 दिन काम कर रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, एक ही छुट्टी थी, क्योंकि कैमरे को हाथ में भी नहीं लिया था मैंने। पर फिर भी सोचा निकलना तो है ही, कुछ भी हो जाए, रेस्ट मिले ना मिले, जो हो हमें निकलना तो है ही यार। तो फिर हम लोग निकल गए अभी। ये देखो अपना काम बारी वहां भर रहे है। तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम लोग सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं, फिर यहाँ से अभी भी 8:55 मतलब 9 बजे तक हम लोग पाहिया पहुँच जाएंगे, और 9:30 की हमारी फेरी है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पहुँचना पड़ेगा। साढ़े 3 घंटे की राइड थी, पाहिया हम लोग पहुंच गए, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि आधे रास्ते में तो मैं सो ही गया था, क्योंकि जॉब करके आया सीधा, और फिर सीधा 4-5 घंटे में हम लोग निकल गए। तो अभी कुछ 9 बज रहे हैं, हम लोग पाहिया पहुंच गए, 9:30 बजे हमारी फेरी है यहाँ से वो आइलैंड के लिए। बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब डॉल्फिन देखने को मिलेगी, फिर हमें बीच समंदर में जाके जंप भी करना है पानी में, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ जाके करेंगे। अभी आधा घंटा बचा है, तो वहाँ पे खाने को कुछ मिलेगा नहीं जर्नी में, तो मेरे दोस्त लोग सारा सामान खरीद रहे हैं अभी, चिप्स विप्स जो भी हो गए छोटा मोटा, क्योंकि आइलैंड पे जाके हमें मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक कैफ़े है ऐसा सुना है मैंने, वहाँ पे जाके मिलेगा हमें खाना, पर बीच जो पूरा रास्ता है उसमें नहीं मिलेगा। ये जो पूरी ट्रिप है, मतलब जो पूरी ट्रिप है आइलैंड की आसपास की, वो कुछ 8.5 घंटे की है, 8.5 घंटे के आसपास की है, तो हम लोग चले जाएंगे। तो इस जगह को बे ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिस वजह से इसका नाम बे ऑफ आइलैंड भी रखा हुआ है। तो अभी हमारी फेरी आ गई है यहाँ पर, तो अभी हम लोग निकलेंगे तुरंत।
Let's go. Good morning. Awesome. Sorry. I'm good. Yeah. That's five adults, right? Yep. So you're all over 12? Yep. Cool. यहाँ पे हद से ज्यादा हवा और ठंड है, पर हमें कोई टेंशन नहीं। हमारे पास ये मध्यम मध्यम गाने सुनने, फील लेनी है। Today, this is the best place, right here. As Taylor said, we won't be going through there, folks. तो हम लोग अभी यहाँ पे ऊटी बे पहुँच गए। बहुत ही चुम्मा आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्रिसमस पार्टी भी चल रही है, और साथ साथ सारे लोग अपने यहाँ पे यॉट और वो सब पार्क करके एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता रहता है, फिशिंग भी करते हैं। हमने आज रास्ते में डॉल्फिन देखी है, जो मैंने आपको दिखाई है। मतलब उन लोगों ने बताया था कि करीबन 300 डॉल्फिन थी, उससे ज़्यादा हो सकती है पर उससे कम नहीं थी वहाँ पर। और दूसरा हमने होल इन द रॉक देखा। आज काफ़ी हाई टाइड थी, उस वजह से हमें उस होल इन द रॉक के अंदर से जाने को नहीं मिला, पर कोई भी बात नहीं। जो नज़ारे थे चुम्मा, आप लोगों ने भी देखे ही हैं। अभी यहाँ पे जो मेरे पीछे चल रहा है, सारी यहाँ पे पार्टी चल रही है जोरों शोरों में।
अब सुबह से कुछ खाया नहीं है तो अभी थोड़ी भूख लगी है, तो मैं सोचा हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, $22 का सिर्फ एक बर्गर है। $22 में $5 में या $60 में पूरा मील आता है सिटी में। पर अगर आप जैसे ऐसे आइलैंड पे आए हुए हो तो ऑब्वियसली खाना तो महंगा होगा। तो ये यहाँ पे इन लोग ने पूरा नॉर्थ पोल करके बनाया हुआ है। ये सामने पूरी पार्टी चल रही है जोरों शोरों में। अब हम लोग जाएंगे कुछ थोड़ा खाएंगे। ये सारे टेबल रिजर्व्ड है, हमें बैठना किधर है? भाई तेरे लिए रिजर्व ने। अब कहाँ पे बैठना है? इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गया है हमारा खाना भैया। डा 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 डा, देख 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 देख, और ये भी आ गए कपड़े चेंज करके। अभी हम खाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और कायाकिंग करने का सोच रहे हैं। तो आप लोग को खाने के बाद मिलते हैं। आज सारा पोपट पे पोपट हुआ है हमारा। पहले एक पोपट हुआ पेट्रोल का, जिसमें हमें पेट्रोल महंगा पड़ गया, और फिर ये सब तैयार होके आए हम लोग कयाक करने था, कयाकिंग करना था, पर आज 25 को कयाकिंग ही बंद है। हुए ये अब हमारे लिए खतरा बन रहा है। बैठो 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 भाई। यहाँ के छोटे बच्चे सीधा समंदर में तैरते हैं, और मैं जब छोटा था मेरे पापा बोलते हैं स्विमिंग पूल में नहीं कूदना है, समंदर के पास नहीं जाना है, वाटरफॉल के पास नहीं जाना है। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही जंप मारे जा रहे हैं। बच्ची को नहीं जाना, फिर भी आंटी धकेल रही है उसको पानी में। तुम लोग कब से वहाँ से हम लोग वक्त आ गया है कि हमें कूदना है समंदर के अंदर। आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है अब, क्योंकि अब कुछ रहता नहीं है, अब सीधा घर जाना है, क्योंकि कल से फिर जॉब है, मतलब कल से फिर जॉब चालू है 5 दिन के लिए। फिर 31st के बाद हम लोग बंद कर देंगे। कुछ यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो अभी उनकी बकरोली कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं है। फालतू के सवाल अपने को पसंद नहीं है, और लुखे लोग को जवाब अपन देते भी नहीं। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, ऑन नेक्स्ट डे। कल रात को हम वहाँ से घूम गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, खा के सीधा सो ही गए हम लोग। तो अब इस वीडियो का एंड करते हैं। साल ख़त्म होने हुए, हमने जो गिले सीखे हैं अपनों से मिटा दो, जो कर रहे हो उसमें आगे काम करते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैरी क्रिसमस गाइस, विश कर दे। मैरी क्रिसमस गाइस, मैरी क्रिसमस। सो यू विल हैव अ लाइक लेना।